तो अक्सर जब मैं इस चैनल पे बात करता हूँ अबाउट माइंड बेंडिंग थ्योरीज सच एज व्हाट इज रियलिटी, वेदर गोस्ट एग्जिस्ट और नॉट, सीक्रेट गवर्नमेंट एजेंसीज, इट्स यूजुअली एवरीथिंग टू डू थोड़ा साइफाई की दुनिया के साथ, थिंग्स दैट वी डोंट नो सच है या नहीं बट आर रियली इंटरेस्टिंग टू थिंक अबाउट। हे गाइस, माय नेम इज अंगद, वेलकम बैक टू द चैनल। हमने रिसेंटली कुछ वीडियोस करी थी ऑन नेटफ्लिक्स के 5 माइंड बेंडिंग शोज विच डिड रियली वेल, एंड वी ऑल्सो डिड अ सिमिलर वीडियो ऑन एनिमेज। दोनों पे रिस्पॉन्स बहुत प्यारा है, बट ऑल दैट आई गॉट अ लॉट फ्रॉम द कॉमेंट्स इज हिंदी वेब सीरीज पे बनाओ, एंड स्ट्रेट अप लेट्स जस्ट से इंडियन वेब सीरीज साइफाई के डिपार्टमेंट में इतना आगे नहीं आए हैं ड्यू टू बजट रिस्ट्रिक्शंस, टेक्नोलॉजी रिस्ट्रिक्शंस एंड थोड़ा सा क्रिएटिव रिस्ट्रिक्शंस एज वेल। बट क्राइम एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप सुबह के 3-4 बजे तक सोचते रहोगे इस बारे में, यू रियली इमेजिन वॉट गोज ऑन बिहाइंड द माइंड ऑफ अ क्रिमिनल, वॉट मेक्स हिम डू द थिंग्स ही डज, एंड ऑफन थिंग्स कैन गेट रियली डार्क। तो इसी फीलिंग एंड इन्हीं थॉट्स को दिमाग में रखते हुए आई हैव सिलेक्टेड 5 शोज फॉर यू विच आई फील आर अ मस्ट वॉच, एंड बेस्ड ऑन दीज शोज आगे हम काफ़ी क्राइम्स एंड क्रिमिनल्स के बारे में बात करने वाले हैं, विच आई रियली होप यू स्टिक अराउंड फॉर। बट लेट्स स्टार्ट द लिस्ट विद नंबर 1। अब शो नंबर 1 ऑन द लिस्ट इज असुर, एंड ज़्यादातर लोग कहते हैं सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट, बट दिस इज माई फेवरेट शो ऑन दिस इंटायर लिस्ट। इस शो की बेसिक स्टोरी ये है कि देर इज़ अ सीरियल किलर जो मर्डर्स करे जा रहा है, बहुत वियर्ड मर्डर्स करे जा रहा है, एंड इस सीरियल किलर की आइडियोलॉजीज आर रूटेड एंड आर बेस्ड ऑन इंडियन माइथोलॉजी। टू बी मोर स्पेसिफिक, इसके सारे मोटिव्स और सारी कहानियाँ लीड बैक टू हिंदू माइथोलॉजी। ये सीरियल किलर ऐसे मर्डर्स कर रहे हैं विच हैज़ क्रिएटेड पैनिक एंड हैविक अमंग सोसाइटी, एंड दीज आर वेरी वेरी डिस्टर्बिंग मर्डर्स। एंड अब इस मर्डर को रोकने के लिए इट इज़ अप टू 2 फोरेंसिक एक्सपर्ट्स, धनंजय राजपूत प्लेड बाय अर्शद वारसी एंड निखिल नैर प्लेड बाय बरुण सोबती, एंड हाउ दे नीड टू स्टॉप दिस मर्डर बिफोर इट्स टू लेट। शो चाहे थोड़ा स्लो स्टार्ट हो, इट डिवेलप्स अ स्टोरी लाइन दैट हुक्स यू ऑन एवरी एपिसोड, एंड हर एपिसोड में यू थिंक कि ये चीज़ होने वाली है बट यू आर ऑलमोस्ट ऑलवेज रॉन्ग। शो का सेटअप काफ़ी मॉडर्न है एंड काफ़ी रिलेटेबल है, एंड दैट्स वॉट ब्रिंग्स द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द माइथोलॉजी पार्ट जो इतनी पुरानी बातें हैं एंड द मॉडर्न वर्ल्ड एंड हाउ एवरी थिंग इज कनेक्टेड। ये शो इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से हैंडल करता है कि हाउ ऑल ऑफ अस हैव आर डीमंस विद इन अस, हम सब के अंदर कोई ना कोई बुराई और अच्छाई दोनों होती है, एंड कोई भी दूध का धुला नहीं होता, एंड गिवन द सिचुएशंस ऑल ऑफ अस हैव मॉन्स्टर्स इनसाइड अस, हम सब के अंदर एक असुर होता है। बट इफ यू वॉच्ड एंड एंजॉयड सीक्रेट गेम्स यू विल एब्सोल्युटली लव असुर, एंड डेफिनेटली आई वुड से चेक इट आउट, एंड इट्स अवेलेबल ऑन वूट। जौन से भी प्लेटफॉर्म पे होंगे, आई विल लिंक देम इन द डिस्क्रिप्शन, ब्रैकेट्स में उनका लिख दूंगा कि वेयर यू कैन वॉच देम। पाताल लोक एक ऐसा शो है जो लिटरली ऐसा लगता है हमारी ही सोसाइटी है, इट इज़ वेरी रियल टू लुक एट एंड द इमोशंस आर वेरी रियल टू फील। ये शो मेनली फॉलो करता है द स्टोरी ऑफ इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी, जिसका कैरेक्टर इज प्लेड बाय जयदीप अहलावत, एंड बेसिकली हाउ ही फील्स कि अपनी दुनिया इज डिवाइडेड इंटू 3 लोक, विच इज स्वर्ग लोक, धरती लोक एंड पाताल लोक। स्वर्ग लोक वो दुनिया जहाँ पे द रिच एंड अपर सोसाइटी रहते हैं, पीपल हु हैव एवरीथिंग इन लाइफ। धरती लोक वो लोग जहाँ मामूली इंसान द वर्किंग क्लास रहता है, लाइक पुलिस ऑफिसर्स। एंड फिर आता है पाताल लोक जहाँ पे कीड़े बसते हैं, जहाँ क्रिमिनल्स बसते हैं, दिस इज़ वेयर द क्रिमिनल्स आर। तो इंस्पेक्टर हाथीराम को दिया जाता है एक केस जहाँ पे 4 सस्पेक्ट्स अरेस्ट होते हैं इन एन अटेम्प्टेड मर्डर ऑन द बिगेस्ट प्राइम टाइम जर्नलिस्ट। जैसे जैसे आप घुसोगे इस कहानी के अंदर, यू विल रियलाइज इट क्वेश्चंस वेरी रियल सिचुएशंस लाइक सोसाइटीज हैबिट ऑफ बेरिंग द ट्रूथ, सच छुपा देना, मीडिया को मैनिपुलेट करना, पावर को मिसयूज करना, अब्यूज करना, और कैसे ये सब चीज़ें आम लोगों को अफेक्ट करती है, एंड हाउ इवन क्रिमिनल्स आंट बॉर्न क्रिमिनल्स, एंड कैसे सोसाइटी एंड सर्टन सिचुएशंस टर्न देम इनटू द पीपल दे आर। तो गाइज, इतने सारे शोज देख के, इतनी सारी मूवीज देख के ऑन क्राइम्स एंड क्रिमिनल्स, वन थिंग दैट आई नोटिस इज काफ़ी ज़्यादा क्राइम्स स्टेम फ्रॉम द नीड फॉर मनी। पैसा एक ऐसी चीज़ है दैट वी ऑल नीड, बट नॉट हैविंग इट
can make you into a person that you don't want to be. So it is very important to be financially secure and financially stable. Which is why काफ़ी सालों से मैं छोटी मोटी investments करता रहता हूँ and recently I also started investing in cryptocurrencies. As most people call it, cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum are the future of money. And especially आज के time पर जब crime इतना ज़्यादा बढ़ चुका है that कोई सड़क पर जाते जाते आपके wallet में से cash चोरी कर सकता है या आपके घर आके आपके locker में से आपकी jewelry और gold लेके जा सकता है, cryptocurrency is actually pretty secure. Which is another reason I do choose to invest in it. तो अगर आपको भी Bitcoin, Ethereum या फिर over 75 other cryptocurrencies में invest करना है, you can check out CoinSwitch Kuber. आप किसी भी cryptocurrency के छोटे छोटे parts ले सकते हो with the minimum being 100 rupees. एक Bitcoin तो मैं खरीद नहीं सकता but I can buy 100 rupees worth of Bitcoin. बिल्कुल छोटा सा part. And using CoinSwitch Kuber का app is really easy. It's like ordering a cab or food. ऐप डाउनलोड करती मिनट्स में आपका KYC हो जाता है एंड यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग. कोई डिपॉजिट या फिर विड्रॉल पे फीस नहीं लगती. सो इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न मोर अबाउट क्रिप्टो करेंसीज एंड CoinSwitch Kuber इन जनरल, यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन सेक्शन. वहाँ पे CoinSwitch Kuber का YouTube चैनल है विच विल गिव यू अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अलॉन्ग विद अ लिंक. उस लिंक पे आप क्लिक करोगे, यू कैन डाउनलोड द ऐप एंड इफ़ यू डाउनलोड यूजिंग माई लिंक, आपको 50 रुपये वर्थ ऑफ बिटकॉइन एब्सोल्यूटली फ्री मिल जाएगा. एंड एज CoinSwitch Kuber सेज, ट्रेड कर बेफिकर. डेली क्राइम इज अ वेब सीरीज दैट इज अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स एंड इट फॉलोज द हॉरिफिक इंसिडेंट्स दैट टुक प्लेस इन 2012, एसेंशियली द निर्भया गैंग रेप केस. द फर्स्ट टाइम आई हर्ड अबाउट द शो, मुझे लगा कि दे शुड नॉट कैपिटलाइज ऑन दिस एंड one wrong step and this show could have been a disaster. But only upon watching it I realized that the reason it's so critically acclaimed right now is because of the way the show was handled and how it was shown from the perspective of the police and the people jo actually kuch acha karna chahte the. The show follows a team of officers, good officers, the good police, and their attempts to hunt down the 6 culprits jinhone ये हीनियस क्राइम कमिट किया था while still fighting the system, media and everyone else who wants to stop them. इस शो को देख के you will feel emotions inside that you have not felt before or haven't felt for a very long time, क्योंकि ऐसा केस था जो पूरे देश को एक साथ ले आया था and it's just still very upsetting and very very real to watch this show. कोई मसाला नहीं added इसमें and overall as a story standpoint a very well made show overall and just watch it. Now show number 4 on the list is Breathe Into the Shadows and I was really skeptical ki main ye show is list pe dalu ya nahi kyunki is show ke sath mera ek love hate relationship hai. So the show mainly revolves around two brilliant actors, Amit Saad and Abhishek Bachchan. The show ki basic story revolves around Abhishek Bachchan ki daughter is kidnapped and jo kidnapper hai uski bahut weird demands hoti hain. To killer ye chahta hai ki agar Abhishek Bachchan apni daughter ko bachana chahta hai, he has to commit murders. He has to kill certain people and pura show revolves around wo ye murders kyun kara raha hai, kaun hai ye log, kya kahani hai, kahan judti hai. And jo plot twist hai, even though thoda jaldi aa jata hai in the show, it is still an interesting one and if handled slightly better ye show kafi better ho sakta tha. But for a one time watch and agar aapke paas kuch nahi hai dekhne ko, this show is actually pretty good for its story. शो नंबर 5 ऑन द लिस्ट इज अनदेखी. ये एक ऐसा शो है जो मैंने लास्ट ईयर देखा था एंड मेरी मेमोरी में काफ़ी फ्रेश है बिकॉज आई एब्सोल्यूटली इन्जॉयड इट. इट्स अवेलेबल ऑन सोनी लिव एंड इसकी स्टोरी, इसकी कास्ट, इसमें एक्टिंग, एवरीथिंग इज ऑन पॉइंट एंड वन ऑफ द बेस्ट क्राइम थ्रिलर्स दैट आई हैव सीन इन अ लॉन्ग टाइम. अब शो की स्टोरी की बात करें तो इट स्टार्ट्स विद वेस्ट बंगाल में एक बहुत वियर्ड मर्डर होता है. पुलिस ऑफिसर इज मर्डर्ड एंड उस मर्डर को फॉलो करते करते वी एंड अप रीचिंग मनाली एंड मनाली में एक बहुत ही बड़ी पंजाबी वेडिंग चल रही होती है इन अ रिजॉर्ट. अब स्टोरी में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं दैट लीड टू अ डांसर इन द वेडिंग. एक वेडिंग में जो डांसर होती है शी गेट्स शॉट
एंड शी डाइज. एंड कैसे पूरी कोशिश होती है टू हाइड दिस इंसिडेंट एंड टू मेक श्योर टू शो दैट इट नेवर हैपेंड. एंड कैसे मल्टीपल लोगों के बीच में एक कनेक्शन बन रहा है, एक वेब बन रहा है, सच चल रहा है, झूठ चल रहा है, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन. हाउ सम पीपल हैव सो मच पावर कि वो झूठ को भी सच बना सकते हैं. अनदेखी इज अगेन वन ऑफ दो शोज विच इज़ सो रियल दैट देखते देखते आप खुद फील करोगे दैट एवरी कैरेक्टर यू कैन एक्चुअली फिट ऑन समवन यू नो. एंड आई वोंट बी सरप्राइज कि अनदेखी की बहुत चीज़ें रियल लाइफ इंसिडेंट से उठाई गई हैं. दे नेवर डिड क्लैरिफाई वेदर इट्स अ रियल स्टोरी और नॉट, बट अ लॉट ऑफ इट कैन बी ट्रू. अनदेखी अगेन इज एन एब्सोल्यूट मस्ट वॉच. सो दीज वर माई फाइव पिक्स फॉर द हिंदी क्राइम थ्रिलर सस्पेंस वेब सीरीज दैट आई एब्सोल्यूटली लव वॉचिंग एंड आई थिंक यू वुड लव टू वॉच दम एज वेल. देखना इन सबको एंड लेट मी नो वॉट यू थिंक अबाउट दैम इन द कॉमेंट्स. साथ साथ में कॉमेंट्स के रस्ते में डिस्क्रिप्शन पर रुक जाना एंड बी श्योर टू डाउनलोड कॉइन स्विच कुबेर एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो करेंसी टुडे. उसी के साथ मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय.